डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना ई वीडियो का लेक्चर का टॉपिक है रेजिस्टेंस मेजरमेंट, जिसमें संट टाइप ओम मीटर आज अपन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, एक ये परमानेंट मैग्नेट टाइप मूविंग कॉइल मीटर है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RM है और IM जो है मीटर की करंट है किसी भी इंस्टेंट पे। RX एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E बैटरी जोड़ रखी है, एक स्विच जोड़ रखा है और R1 एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से ये जो कनेक्शन कहलाएगा वो संट टाइप कहलाएगा, जिसमें अननोन रेजिस्टेंस को आपने इसके संट में जोड़ा है, तो संट टाइप कनेक्शन कहलाएगा। तो देखिए, जैसा कि पहला डिस्कस किया था अपन ने, R1 जो है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, RX अननोन रेजिस्टेंस है, RM मीटर रेजिस्टेंस है और IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। अब दो स्थितियां बनती है, जैसे मान लीजिए आपने स्विच को क्लोज कर दिया है और अननोन रेजिस्टेंस आपने मान लीजिए जीरो लगाया, तो अननोन रेजिस्टेंस जब जीरो लगाएंगे तो देखिए बैटरी से जो है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सारा करंट इसमें से अननोन रेजिस्टेंस में से फ्लो हो गया, मीटर में तो कुछ करंट जाएगा ही नहीं, तो मीटर की रीडिंग जीरो होगी। तो देखिए RX जब जीरो होगा तो मीटर की रीडिंग जीरो होगी और मीटर जो है, मीटर में करंट जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब है कि यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस अपन ने जीरो लगाया, तो यहाँ पे जीरो की मार्किंग अपन कर देंगे। देखिए अननोन रेजिस्टेंस जीरो लगाया है तो फुल डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो जीरो मार्क कर दिया। जब RX इन्फिनिटी कर दिया अपन ने, RX इन्फिनिटी कर दिया मतलब ये सर्किट ओपन कर दिया, तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट मीटर में जाएगा, तो मीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो मीटर जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा और उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो राइट साइड में जो मार्किंग करेंगे वो अपन इन्फिनिटी की करेंगे, लेफ्ट साइड में जीरो की करेंगे। तो देखिए इन्फिनिटी रेजिस्टेंस पे करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि मीटर में लेफ्ट साइड में जीरो और एक्सट्रीम राइट साइड में इन्फिनिटी मार्क करेंगे, मीन्स मीटर की जो मार्किंग है वो सीधी होगी, एज नॉर्मल होती है वैसी होगी। अब देखिए कुछ कैलकुलेशंस, अपन अननोन रेजिस्टेंस RX को फाइंड आउट करना है, लेकिन R1 अपन को पता नहीं है। मीटर को डिजाइन करने के लिए अपन को R1 पता होना चाहिए, R1 की वैल्यू को एडजस्ट करके अपन मीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है अपन को मीटर को डिजाइन करने के लिए। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के केस में जैसा कि अपन ने देखा RX इन्फिनिटी होगा, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होगा, E/R1+RM, क्योंकि देखिए ये इन्फिनिटी हो गया तो इधर तो करंट जाएगा नहीं, सारा करंट इधर से जाएगा, तो रेजिस्टेंस दोनों जुड़ गए R1+RM, तो टोटल करंट IFSD जो होगा वो मीटर में E/R1+RM होगा RX=∞ के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी किसी वैल्यू के लिए, कोई भी अननोन वैल्यू के लिए कुछ मीटर रीडिंग देगा, कितनी देगा, E/R1+RX और RM का पैरेलल कम्बिनेशन, ये टोटल करंट जो बैटरी से सप्लाई होगी और इसको पैरेलल पाथ में अपन जब डिवाइड कर देंगे तो RX/RM+RX फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में करंट फ्लो क्या हो रही है वो बताएगा, ये मीटर की करंट है, क्योंकि अपन को मीटर की करंट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल करंट जैसे मान लीजिए ये I है, तो RX/RM+RX से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को IM मीटर की करंट जो है वो बताएगा। जैसा मैंने एक ट्यूटोरियल आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम दिया था कि पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस में करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये एक तरह से पैरेलल कम्बिनेशन है, आपको टोटल करंट पता है यहाँ पे और मीटर में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस प्लस दिस, जिससे कि इस रेशियो से फाइंड आउट करने से करंट IM पता लगेगी अपन को। अगर अपन रेशियो फाइंड आउट करें S IM/IFSD, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए IM/IFSD, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा RX/RX+RP, जहाँ पे RP क्या है, R1 और RM का कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन,
ये आर पी वैल्यू है, तो ये आपको रेशियो मिलेगा। और ये रेशियो 0.5 अपन सेट कर दें, मतलब हाफ स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिले, आईएम जो है एफएसडी का आधा मिले, जिसको बोलते हैं अपन हाफ स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये रेशियो 0.5 होएगा, उस केस में अपन आरपी की वैल्यू फाइंड आउट अगर करते हैं तो उस केस में आरपी जो है आरएक्स के बराबर मिलता है, जिसको अपन आरएच भी बोल सकते हैं कि हाफ स्केल डिफ्लेक्शन करंट के लिए जो है आरपी जो है क्या वैल्यू होगी, तो वो आरएक्स के बराबर होगी। तो इससे देख के भी लग रहा है कि जब आरपी और आरएक्स बराबर होगी तो इसकी रेशियो की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अपन हाफ स्केल डिफ्लेक्शन करंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रेशियो के लिए, किसी भी पर्टिकुलर करंट के रेशियो के लिए, अननोन रेजिस्टेंस के लिए अपन करंट रेशियो या डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का कितना परसेंट डिफ्लेक्शन होगा। 0.5 का मतलब है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का 50% डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। उसी तरह से अगर इसको मैं 0.1 ले लूँ तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का 10% डिफ्लेक्शन आएगा किसी पर्टिकुलर आरएक्स वैल्यू के लिए। तो आरएक्स वैल्यू और आरपी की वैल्यू को चूज करने से आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के लिए आप ये कंप्लीट मार्किंग कर सकते हैं, मीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सीरीज टाइप ओम मीटर हो गया, ये भी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आएगा। जनरली सीरीज टाइप रेजिस्टेंस ओम मीटर जो है हाई वैल्यू, सॉरी संट टाइप हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए काम में लेते हैं, और सीरीज टाइप जो पहले अपन ने डिस्कस किया था वो लो रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। तो आज का लेक्चर अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।